मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जाहिर चर्चा करने को तैयार हूँ। जब किसानों से 2014 से 2020 तक मोदी ने सरकारी गोडाउन बनाए नहीं, मोदी ने अदानी को गोडाउन बनाने को कहा, और देखो मोदी आने के बाद आज अदानी के गोडाउन है 500 लाख मेट्रिक टन के, और सरकार के गोडाउन है 370 लाख यानी 400 लाख मेट्रिक टन के। सभी किसान लीडरों को संदेश देता हूँ कि ऐसे बैठने से मोदी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। मोदी को, मोदी का जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, और वो नाक दबाने का एक ही तरीका है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। थोड़ा किसानों का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये पहला आंदोलन नहीं है। आजादी के बाद किसान के हित में हजारों आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलकों को फंसाया गया, आज हम जो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हमको मालूम होगा कि आज देश भर में अदानी के गोडाउन रेडी है। मनमोहन सिंह के ज़माने में 377 मेट्रिक लाख टन धान साटने का FSI के गोडाउन थे, तो कुछ धान प्राइवेट गोडाउन में रखने का इंतजाम था। लेकिन 2014 से 2020 तक मोदी ने सरकारी गोडाउन बनाए नहीं, मोदी ने अदानी को गोडाउन बनाने को कहा, और देखो मोदी आने के बाद आज अदानी के गोडाउन है 500 लाख मेट्रिक टन के, और सरकार के गोडाउन है 370 लाख यानी 400 लाख मेट्रिक टन के। तो अदानी के गोडाउन सरकार से ज़्यादा धान स्टोर कर रहे हैं, और ये जो आज हमें ये बोल रहे हैं कि तीन कानून है किसान के हित में, ये कानून किसान के हित में तो 0% है। ये कानून किसानी कॉरपोरेट पूंजीवादियों को देने के कानून है। कॉन्ट्रैक्ट तो इतना खतरनाक है कि 2000 पन्ने का अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखते हैं कि ये साइज़ का आलू चाहिए, ये साइज़ का टमाटर चाहिए, ये साइज़ किसी किसान के बाप के है हाथ में नहीं है, जो उगाता है वो देता है। रिलायंस वगैरह हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं आने वाले हैं। लेकिन रिलायंस खुदरा बाजार में है ना, रिलायंस की दुकान में सब्जी मिलती है ना, रिलायंस की दुकान में खाने की सब चीज़ें मिलती है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जाहिर चर्चा करने को तैयार हूँ। जब किसानों का पसीना खून वो 100 रुपये में लेते हैं, उसके वो 1000 रुपये बनाते हैं, 1,00,000 रुपये भी बनाते हैं। तो कह रहे चर्चा करके ही बिल लेके आए हो? बिल्कुल की नहीं चर्चा, क्या पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? अरे राज्यसभा में बिल पास हुआ ही नहीं, ये यही हुआ उनकी यहाँ नियत दिखती है कि राज्यसभा में ये बिल पास हुआ नहीं, ज़बरदस्ती पास कराया, और उसके बाद ठीक तो ऑर्डिनेंस क्यों लाया? कोरोना के बहाने तुम ऑर्डिनेंस लाते हैं और बाद में वो पास करते हैं, तो इसका मतलब ये है। तो आज भी कानूनी तरीके से वो ऑर्डिनेंस लाके ये कानून सस्पेंड कर सकता है, निरस्त कर सकता है, और उसके बाद पार्लियामेंट के सैंक्शन ले सकता है। जल्दबाजी क्यों की? जल्दबाजी इसलिए करी थी कि दो कारण है। एक तो आप सब मालूम नहीं कौन किसकी जात के, कौन से धर्म के, लेकिन यहाँ मनुवादी इनकी साठगांठ है। मनुवादी ने हमको 1000 साल लूटा, जात में बांटा, मुस्लिम का, हिंदू का, जो भी कहा, और हमको बांटा, यानी श्रमिकों को बांटा, और आज उनके साथ मनीवादी आए हैं। तो ये जो उनकी मनुवादी की सोच ऐसी है, आप पढ़िए गोलवरकर, सावरकर, तिलक पढ़िए, उनका कहना है कि हम इस देश के गुलाम हैं, मालिक वो है, और हमारा अधिकार सिर्फ 2 जून की रोटी है। तो किसान को ही प्रॉब्लम है इससे, तो वही बात बोल रहा हूँ मैं कि एक किसान, मैं कहता हूँ कि ये गटर में रहते हैं, पानी पे रह रहे हैं, ये किसान क्या इनका भेजा नहीं है? ये सब किसान को मालूम हुआ है कि हमारी किसानी धोखे में है, हम किसान धोखे में हैं। और दूसरी बात, एक सबसे अच्छी बात, बड़ी बढ़िया बात ऐसी है, एक ही माँ का एक बेटा सीमा पर है, दूसरा बेटा पुलिस में है, और तीसरा बेटा किसान है, और इनको आपस में कौन लड़वा रहे है? ये परजीवी जो हमको चंद टुकड़े के लिए सैलरी देते हैं, चंद टुकड़े की, और हमको आपस में लड़वा रहे हैं। तो जब जवान और पुलिस हमारे किसान भाइयों पर पानी मारता है, लाठी मारता है, तो आपके बाप को मारता है, खुद के बाप को मारता है। ये जब तक हम किसानों के और पुलिस के घर घर ये मैसेज नहीं जाएगा कि किसान और जवान हमारे बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, और ये आपस में लड़वाते हैं, तो ये हमेशा हजारों साल मनुवादी ने यही किया कि हमें आपस में लड़वाया। फर्जी जो प्रोटेस्टर हैं वो फर्जी किसान हैं। वही तो देखो ना, अब ये फर्जी है, यदि वो फर्जी होते हैं कि यार वो तो ऐसा भी कहते हैं, वो मौज कर रहे हैं, मना रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलने के लिए कि जब ये लोग रात दिन यहाँ सड़ रहे हैं, बारिश है, ठंड है, और इसमें वो यहाँ रह रहे हैं, तो कोई शौक से रहेगा, या कोई किसी ने कहने पर रहेगा, या किसी ने पैसे दिए तो रहेगा? रह नहीं सकते। सर आप कह रहे हैं कि गोदाम जो है अडानी के पास है, और खुदरा बाजार जो है वो मुकेश अंबानी के पास है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि खुदरा बाजार को मैनेज मुकेश अंबानी करेंगे, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अरे आज भी अंबानी के लोग खेतों में जाके सब्जी खरीदते हैं, 10 रुपये की सब्जी वो अपने मॉल में पास करके 200 रुपये में बेचते हैं, और धान दाल सभी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं, प्रदेश में गेहूँ के 1200 रुपये किलो है, 2500 रुपये किलो तक है, और हमारे यहाँ 50 रुपये क्या किलो है गेहूँ, तो क्या प्रॉफिट का मार्जिन देखो, और ये निर्यात करते हैं, ये निर्यात करना। दूसरी बात, अरे सब इंडस्ट्री खेती पर चल रही है, ट्रैक्टर करने वाले हो, सीड करने वाले हो, फर्टिलाइज़र हो, सब्सिडी देने वाले, सब्सिडी तो एक अच्छा चोरी का माहौल है, चोरी का एक रास्ता है,
सब्सिडी से किसानों को कुछ नहीं मिलता, सब्सिडी किसको मिलता है? इंडस्ट्री को। अभी कोविड के दिनों में भी 1,40,000 करोड़ की सब्सिडी यानी किसान इंडस्ट्री को दिया, किसानों को क्या मिला? तो किसानों को कुचल कुचल के मारने के लिए ये कानून है, तीनों कानून। मैं आपको रिपीट करता हूँ, यदि गोडाउन के यानी स्टोर का लिमिट खत्म किया तो सभी गोडाउन अदानी के, और वो अदानी के अंबानी के खुदरा बाजार में बेचेगा या परदेश भेजेगा। तो एक जो आज तुम्हारे लिए गेहूँ मिलते हैं वो अदानी अंबानी बोलेगा वही रेट से बेचेंगे। वो तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये भड़का रहा है इन किसानों को। अरे वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बहुत चर्चा हुई, जवाहर वो नेहरू यूनिवर्सिटी के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की चर्चा हुई लोकसभा में, उसके ऊपर प्रश्न हुए कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, तो लोकसभा में होम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है नहीं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को एक्शन क्या लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आंखों से टीवी पर देख रहा है कि इनके ऊपर पानी बरसा रहे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ी भी किसानों की या इंसानियत मन में होती तो उन्होंने पुलिस को पूछा होता, भाई किस कानून के तहत तुम इनको मार रहे हैं? ये कानून तो पर हमें परमिशन नहीं देता है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन करना और संघर्ष करना यानी अहिंसा के अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन करना, ये हमारा हक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देश के प्रजातंत्र जिन सभी संविधानिक संस्थाओं पर निर्भर है, प्रजातंत्र है, आपका मीडिया है और ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, ये जो चार और पाँच जिसके खंभे पर प्रजातंत्र खड़ा है वो सभी मनुवादी के लोग हाथ में है, और मनुवादी चाहते हैं कि हम सब उनके गुलाम हैं और हमें सब दो जन की रोटी का अधिकार है। बिल्कुल, अरे सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने आके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो कहीं बाहर से चल रहा है यानी रिमोट से चल रहा है। यदि उनके ही चार जजेस सिटिंग जजेस कहते हैं तो मैं तो फॉर्मर जज और हमको दिखता है ना, उसे बोलने की जरूरत क्या है? नहीं है, मैं तो कहता हूँ हमारे देश में लोकतंत्र कभी था ही नहीं और आज तो बिल्कुल नहीं है, मोदी आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं हमारे आपके माध्यम से सभी किसान आंदोलन के नेताओं को आंदोलन आह्वान करता हूँ कि मोदी ऐसे हटेगा नहीं, आप यहाँ बैठेंगे तो हटेगा नहीं, आपको नॉमिनल गुनाह करके जेल में जाना चाहिए, जेल भरो होना चाहिए, और जेल भरो के लिए जब करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार जाती है, और तो सरकार गए बिना या सरकार का काम इम्पॉसिबल हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। जेल भरो एक ही मार्ग है, यहाँ बैठने का मार्ग नहीं है, दिल्ली की तरफ कुछ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पहले अर्जी करना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं पिटीशन करने का कि तुम बोलो इनको कि मारने का अधिकार किसने दिया, जब तक ये गुनाह नहीं करते हैं और गुनाह किया तो भी मारने का अधिकार किसने दिया? यदि खून भी किया तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये पानी जो मारते हैं ठंड में हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, ये रोड़े डालते हैं, ये अधिकार किसने दिया? हम कहीं भी जाने का हमें अधिकार है, पुलिस को ऐसा रोकने का अधिकार नहीं। मैं दोनों को संदेश देता हूँ, सभी किसान लीडरों को संदेश देता हूँ कि ऐसे बैठने से मोदी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। मोदी को, मोदी का जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, और वो नाक दबाने का एक ही तरीका है कि सिंपल ऑफेंस करना है, हाईवे बंद करना है और जेल में जाना है। करोड़ों लोग जब जेल में जाने की भाषा करेंगे तो कहाँ रखेंगे? यदि वो जेल में हमको रख नहीं सकते तो उनको हमारे कानून रद्द करने होंगे। जय किसान।